मॉर्निंग, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आजकल मैं ब्लॉग नहीं बना रही हूँ क्योंकि मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं है मौसम के कारण। तो मैं आप सबसे शेयर करूँगी आज सोया बड़ी की सब्जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने सोया बड़ी को अच्छे से गर्म पानी में बॉईल कर लिया है। उसके बाद मैंने इसे ठंडे पानी से धो के अच्छे से गाड़ लिया है। उसके बाद मैंने ये बॉल में निकाल लिया है। तो मैं इसमें दो चम्मच करीब बेसन लूँगी। पहले बेसन को डालूँगी और एक चम्मच के करीब है लहसुन। और ये थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च लिया है, गोल की जीरा के पाउडर है, इधर नमक और हल्दी। मैं सबको ऐड कर लूँगी और अच्छे से मिक्स करूँगी। मैं इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। मैंने अब इसे मैं इधर कढ़ाई गरम कर दिए हैं, उधर दूध बॉइल करने के लिए रख दिए हैं। तो जब तक कढ़ाई गरम हो रहा है तब तक हम इसमें पीसूंगी एक टमाटर, हरी मिर्च 6 और थोड़ी सी आदि ग्राइंड करूंगी इसको तब तक। मिश्रण धीरे धीरे इसमें डालेंगे करेंगे गरम हो गया था। थोड़ा ही मैंने बेसन डाला है इसमें, अच्छे से लाल कर लूँ थोड़े। देखिए सोयाबीन हो गया है, तेल भी थोड़ा छोड़ दिया है। तो हम इसको क्या करेंगे कि इसको निकाल लेंगे। देखिए तड़के के लिए मैंने लिया है इसमें हींग और थोड़ी सी जीरा और ये तेज पत्ता है। मैं इसे डालूंगी, मेरा तेल हो गया है गरम और इस दोनों को भी मैंने डाल देना। इसे लाल करेंगे इसे। डालेंगे प्याज। देखिए मैंने सब्जी में डालने के लिए ये लिया धनिया पाउडर 2 चम्मच, डेढ़ चम्मच लिए है मैंने ये लाल मिर्च पाउडर, ये थोड़ा सा हल्दी पाउडर है और ये गोल की जीरे का पाउडर है। इधर हो रहा है मेरा प्याज लाल और लाल होगा तब हम इसे मसाला ऐड करेंगे। प्याज हो गया है ब्राउन तो इसमें हम मसाला ऐड करेंगे। पहले हम मसाले अच्छे से फ्राई करेंगे क्योंकि जो लाल मिर्च पाउडर है या फिर गोल्टी जरा तो मैंने अभी पिसा है और धनिया पाउडर है, इससे ताजगी आ जाएगी। पहले हम इसे अच्छे से डाल करेंगे, थोड़ी सी फ्राई करेंगे इसको। इधर डालूंगी मैं 2 करीब है लहसुन पेस्ट 2 चम्मच, क्योंकि सोयाबीन थोड़ा ज़्यादा है। प्याज और लाल तब तक हम पीछे लेते मसाले नीचे अच्छे से लाभ करेंगे। देखिए मसाले तेज छोड़ने लगे थे, अच्छे से फ्राई करेंगे और फ्राई करेंगे। देखिए मेरा मसाला हो गया है तो मैं इसमें सारे ये डाल दूँगी और बड़ी और अच्छे से अच्छे से फ्राई करूँगी। देखिए हम सोयाबीन अच्छे से इसको फ्राई करेंगे ताकि जितने भी सोयाबीन है उस मसाला को अच्छे से एडजस्ट कर लें। देखिए मेरा सोयाबीन की सब्जी हो गया है तो मैं इसे पानी ऐड करती हूँ।
सोयाबीन जो है ना कि पानी एकदम सूखता है, तो ये हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पत्ती। देखिए हम इसमें नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। अब ये तेल छोड़ेंगे और ऊपर आएंगे और इसे हम ढक के 5 या 10 मिनट, 5 मिनट के लिए, मैं इसे बस ज़्यादा नहीं क्योंकि थोड़ी देर में इधर हो गया है मेरा सब्जी। अब इसे खाली करेंगे, हम दोनों को